नॉर्मल एंड लेटरल शिफ्ट का टॉपिक हमने किया, तो एनसीईआरटी के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं पहले वो देखते हैं। तो जैसे पहली प्रॉब्लम है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। एक सरफेस पे हमने उसको घेरा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस टी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.1 मीटर गिवन। आगे म्यू आपको पता है कौन सी शिफ्ट निकालनी है, लेटरल शिफ्ट। अब लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, तो लेटरल शिफ्ट में आपको क्या चाहिए होगा, टी, टी तो गिवन है, क्या चाहिए होगा, आई, आई तो गिवन है, सिर्फ क्या निकालना है, आर। तो आई से आर निकल सकता है बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो आप साइड पे काम करें, स्नेल्स लॉ लगा लें, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन आर, आई आपको पता है, म्यू आपको पता है, सॉल्व करके साइन आर। ऐसे एंगल्स पेपर में नहीं आते, बढ़िया एंगल्स आते हैं 60 डिग्री 45 डिग्री, पर चलो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो साइन इनवर्स 0.577 क्वेश्चन में गिवन है 35 डिग्री, तो गिवन होगा ये, तो ये आर कितना आ गया 35 डिग्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, आर की वैल्यू आ गई। आपको अब डी निकालना है, टी पता है, आई पता है, आर भी पता है, सॉल्व करके आंसर। तो आपको इसमें क्या चाहिए होगा, साइन 25 कॉस 35, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों को वैल्यू को पुट करके आंसर आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझ में आ रहा है, लेटरल शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक आध न्यूमेरिकल या ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं बुक्स में, नॉर्मल शिफ्ट पे ज्यादा आते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें प्लीज, इसमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का भी और ग्लास का भी। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेस, तो वाटर में लाइट आ रही है, हिट करती है वाटर ग्लास इंटरफेस पे और आगे चली जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, रिफ्रैक्शन आर। आगे फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो बिल्कुल ही प्योर क्वेश्चन स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है, तो आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आई, म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर, सिंपल है। तो आप स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, म्यू वाटर साइन आई, म्यू ग्लास साइन आर, तो ये मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया। आपको इस क्वेश्चन में म्यू वाटर पता है, म्यू ग्लास पता है, आई पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, साइन आर। तो अगर ये एंगल नहीं मालूम तो साइन इनवर्स में छोड़ दें आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, प्योरली क्वेश्चन किसका है, स्नेल्स लॉ का, क्लियर है यहां तक। अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज रीड करें, देखें जरा क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखो, स्मॉल पिन इज फिक्स्ड ऑन द टेबल टॉप, छोटा सा पिन है टेबल टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, टेबल के ऊपर पिन पड़ा हुआ है, एंड व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो मैंने उस पिन को 50 सेंटीमीटर से देखा, ठीक है, तो मुझे 50 सेंटीमीटर नजर आया। आगे बाय व्हाट डिस्टेंस वुड अ पिन अपीयर टू बी रेज्ड, तो मुझे वो पिन कितना ऊपर नजर आएगा, क्यों आएगा भाई ऊपर नजर, सेम पॉइंट से देख रहा हूं, जब मैंने उस पर 15 सेंटीमीटर की 15 करना, करेक्शन है, अच्छा आपके पास है नहीं शीट, 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब को टेबल के ऊपर रख दिया। अब देखो एक पिन पड़ा है, मोटी 15 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब डाल दी, तो पिन आपको थोड़ा ऊपर नजर आएगा, और इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, कौन सी शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो वो कह रहा है कि पहले मुझे 50 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा था, अब मुझे कितने सेंटीमीटर पे नजर आएगा, देख मैं वहीं से रहा हूं जहां से मैं पहले देख रहा था। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल शिफ्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी आएगा डी, तो आप 50 सेंटीमीटर में से उस डी को क्या कर लेंगे, माइनस आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है इसमें, नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट हमने कैलकुलेट की हुई है, फॉर्मूला क्या है, डी
इज इक्वल टू टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, आज करवाया मैंने। तो इसमें थिकनेस कितनी है ग्लास स्लैब की, 15, म्यू आपको गिवन है, तो यहां से डी आएगा 5। अब सोचो 50 सेंटीमीटर पे पिन नजर आता था, अब ग्लास स्लैब की वजह से 5 सेंटीमीटर ऊपर नजर आ रहा है, तो अब मुझे कितना ऊपर नजर आएगा, 50 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 5, तो कितना आया 45, तो 45 सेंटीमीटर पे नजर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या ग्लास स्लैब की लोकेशन मैटर करती है, मतलब पिन यहां पड़े है? मैंने अज्यूम किया ग्लास स्लैब बिल्कुल इसके ऊपर है, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर ग्लास स्लैब यहां ना होती, यहां पे होती हवा में, मतलब मेरी आंख और पिन के बीच में कहीं पर भी रखूं, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो जो शिफ्ट ग्लास स्लैब ने जनरेट करनी है वो तो उसने करनी ही है, जो रिफ्रैक्शन नीचे होनी है, अगर ग्लास स्लैब को ऊपर रख देंगे वो रिफ्रैक्शन ऊपर भी होनी है, अफेक्ट विल रिमेन सेम। तो याद रखना लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लास स्लैब का, अगर आपकी आए और पिन के बीच में ग्लास स्लैब कहीं पर भी पड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं, उसकी थिकनेस अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसकी नॉर्मल शिफ्ट 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो याद रहेगा यहां तक, ठीक है यहां तक, तो ग्लास स्लैब कहीं भी रखेगा कोई फर्क नहीं उसमें। हम नॉर्मल में सीधे, ये हमारा जो अजम्पशन है, हम हमेशा टॉप से देखेंगे, हम ये टेढ़े वाले क्वेश्चन करते नहीं, टेढ़ा देख रहे हैं इधर से उधर होगा, नहीं होगा, वैसे आंसर सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेढ़ा देखने में ये क्वेश्चन फिर टेढ़ा ऑब्जर्वर ऐसे दिखेगा तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट हो जाएगी थीटा एंगल पे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, हम हमेशा टॉप से देखेंगे और पिन हमें अपने आई के पास ही नजर आता दिखेगा, टेढ़ा देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन 2 × 10^8 एंड एयर के अंदर भी गिवन। अब ये चीजें क्यों गिवन होती हैं, एयर में वेलोसिटी, मीडियम में वेलोसिटी, इसलिए ताकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकें, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एक क्या कह रहे हैं, हाउ मच अमाउंट अ डॉट अपीयर टू बी रेस्ड, एक डॉट कितना ऊपर मुझे नजर आएगा, फिर से नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन है, When covered by glass plate 6 cm thick, तो सेम नॉर्मल शिफ्ट निकालनी है, आपको पॉइंट कितना ऊपर नजर आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, D का फॉर्मूला T into 1 minus 1 by mu, तो ये T आपको पता है कितना 6 और mu आपको पता है 1.5, आंसर। क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है, इसमें mu मिसिंग था, mu हमने निकाल लिया, तो नॉर्मल शिफ्ट के क्वेश्चन की पहचान हो रही है कि कैसे लगेगा इसमें। जैसे ये देखो, वॉट इज द एपरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यार रियल पोजिशन एक होती है, एपरेंट पोजिशन एक होती है, रियल तो असली पोजिशन है, एपरेंट उसकी नकली पोजिशन है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमें ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आते हैं। तो कह रहे हैं एपरेंट पोजिशन क्या होगी, जब 6 cm का ग्लास है और 4 cm का पानी है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर दोनों के गिवन है, ये फिगर है, तो ग्लास 6 cm का है और वाटर 4 cm का है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है बिल्कुल बॉटम पे। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अगर मैं ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है और अगर ये कोई मीडियम ना होता तो ऑब्जर्वर को 10 cm पे नजर आता ये ऑब्जेक्ट, प्योर 10, लेकिन वो 10 पे नजर आएगा नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों के, तो आपको थोड़ा ऊपर नजर आएगा, तो कहां नजर आएगा वो निकाल लें। तो मुझे यहां पर नॉर्मल शिफ्ट 2 मीडियम्स की वजह से निकालनी पड़ेगी, एक ग्लास की वजह से और एक वाटर की वजह से, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले निकलेगा ग्लास, तो ग्लास की थिकनेस कितनी है, 6, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, तो D1 आ गया। उसी तरीके से सेम फॉर्मूला किसका लगेगा, वाटर का, तो वाटर के केस में थिकनेस कितनी है, 4, 1 माइनस 1 बाय म्यू, आंसर कितना आ गया 1। तो यहां पर शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू ग्लास की आ गई और वाटर की आ गई, कितनी कुल मिला के ऐड करके कितनी आ गई, 3 cm, तो आपको ऑब्जेक्ट 3 cm ऊपर नजर आएगा, क्लियर है। था कितना 10 cm, कितना ऊपर नजर आएगा 3, तो मुझे अब ऑब्जर्वर को कितने सेंटीमीटर पे दिखेगा, 10 में से 3 गया 7, 7 cm पे नजर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे क्वेश्चन करना है। एक इसमें जब आप घर में शायद क्वेश्चन ट्राई करोगे तो हो सकता है आप ऐसा सोचें
कि मैं दो बार नॉर्मल शिफ्ट क्यों निकालूं, वाटर की अलग ग्लास की अलग, मैं एक ही बार निकाल देता हूं नॉर्मल शिफ्ट, टी वन माइनस म्यू में काम करता हूं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देता हूं वाटर। मैंने इसमें अलग अलग निकाली ना, ग्लास विद एयर, वाटर विद एयर, एक ही बार में क्यों नहीं निकाल देते, सच दैट टी को पुट कर देते हैं 10 सीधा। आंसर नहीं करना, जितने मीडियम्स होंगे रूल है नॉर्मल शिफ्ट सबकी अलग अलग ही कैलकुलेट करनी, इकट्ठी कभी नहीं करनी। अगर तीन मीडियम्स हैं तो तीनों की नॉर्मल शिफ्ट अलग अलग ही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये जरूर, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा कि पोजीशनिंग डिपेंड ही नहीं करती। आप अगर वाटर और ग्लास में कोई स्पेस भी डाल दो एयर का तो क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर विल रिमेन सेम। तो आप विद ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बिल्कुल नहीं लेंगे, ग्लास का अलग कैलकुलेट करें और वाटर का अलग कैलकुलेट करें, उन नॉर्मल शिफ्ट को ऐड करें। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अलग अलग ही ऐड करनी है नॉर्मल शिफ्ट, इकट्ठा 10 सेंटीमीटर कभी नहीं लेना। समझ में आ रहा है यहां तक? तो